हेलो, मैं गुरु बोल रहा हूँ। 11:30 बजे आ रहा हूँ। ओके सर, कैशियर को बुलाओ। यस सर। यस सर। शिवा, गुरु 11 बजे तक आ जाएगा। लोगों की सैलरी सुबह में दे दो। ओके ओके सर। ड्राइवर, एसी को क्या हो गया? रिपेयर करवाना है बॉस। ये सब पहले करवाना चाहिए था ना। वेरी बैड, वेरी अनप्रोफेशनल। ठीक है, कार को उस गाड़ी के पास लगाओ। ओके बॉस। Excuse me, गाड़ी थोड़ा आगे कर लीजिए प्लीज। नहीं, पहले हमारी मैडम को उतरना है। क्या, कौन सी मैडम? Excuse me, अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे करने के लिए बोलिए। ड्राइवर, पहले उस गाड़ी को निकालने के लिए बोलो। पहले हम लोग आए हैं, इसलिए उसको पहले बोलो। ए, बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है हमसे? पहले इज्जत देकर बात कर हमसे। कैसी वाली इज्जत चाहिए तुमको? प्यार इश्क मोहब्बत वाली इज्जत चाहिए क्या? जिसकी खुद कोई इज्जत नहीं है वो हमसे इज्जत से बात करने के लिए बोल रहा है। इज्जत से आगे जाने को बोलो। जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है तो किस तरफ से उतरना है पहले ये सीखो। इस गाड़ी में 4 एग्जिट है, मैं किसी तरफ से भी उतर सकता हूँ। ये बात उसे बोलो। फालतू लोगों से बात करके टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कार निकालो। एक्सक्यूज मी, आपने किसको फालतू आदमी बोला? एक्सक्यूज मी, किसको बोला आपने? सर, मुझको देखकर बोली सर। ये कैसे कह रहा है तू? सच में मुझको देख के बोली सर। ठीक है ठीक है, गाड़ी को ऑफिस की तरफ ले चल। सर, आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो यहीं पे है, ऑफिस जाकर एसी रिपेयर करवाने के बाद मुझे फोन करना। ओके सर। जाओ जाओ जाओ। आई लाइक इट। सर सर सर, गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते। यहाँ मेरे मास्टर की गाड़ी खड़ी होती है। थोड़ी देर में लेके चला जाऊंगा। मेरे मास्टर की गाड़ी के अलावा मैं यहाँ पे किसी की गाड़ी नहीं खड़ी होने दूंगा। हाँ? कौन है रे तेरा मास्टर? यही है हमारे मास्टर। एक्सक्यूज मी। यस। आप कौन से मास्टर है जान सकता हूँ क्या? होटल में टी मास्टर, स्कूल में ड्रिल मास्टर, जो मैयत में शराब पीकर नाचते वहाँ शराबी मास्टर, और उसी तरह योग सिखाने वाले को योगा मास्टर। बिल्डअप देखने में ज्यादा लग रहा था, लेकिन सिंपल साइकिल में आ रहे हो। सिर्फ मैं ही नहीं, आने वाले अगले 10 सालों में इस देश के सभी लोगों को साइकिल की सवारी करनी पड़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है, घर में एक पौधा लगाओ और साइकिल लेकर आओ। समझ गए ना तुम? ये सब सुनकर इमोशनल क्यों हो रहे हो तुम? या तुम्हारी आंखों में मेरी उंगली लग गई है क्या? फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? मैं खुद नहीं हुआ। हाँ। आपने करवा दिया। हाँ। इसी को कहते हैं मास्टर, समझे? ये कौन है? मैं मास्टर हूँ, ये पीस है, इसी को कहते हैं मास्टरपीस। हमारे मास्टर योग सम्राट पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। शिष्यों, अपनी सीट को जमीन पर रखो।
आज जो होगा वो कल नहीं होगा, कल जो होगा वो परसों नहीं होगा। इस दुनिया में सिर्फ विज्ञान और अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ा है, हमारी बॉडी भी बढ़ रही है। इसे ठीक करने के लिए हम सबको जरूरत है योगा, मेडिटेशन, यही मैं आप सबको सिखाने आया हूँ। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन। मास्टर अभी नमस्ते कह रहे हैं, मास्टर अभी सलाम कर रहे हैं, मास्टर अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान भगवान भगवान। मास्टर का अभी दूसरा प्रोग्राम है, वो टाइम देख रहे हैं। वाह सुपर। मास्टर अभी रिलैक्स कर रहे हैं। कैसे मास्टर ने लाइट ऑफ होते ही अपने दोनों पैरों को कंधे पर रख लिया? जो मेरे पीछे है उसको सब पता है मास्टर। मतलब मेरे पीछे जो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सबको पता है। लाइट ऑफ किए बिना दिखाइए, हम लोग भी सीख जाएंगे। तू जब साधारण बैठता है तो तेरा लगेज जमीन को छूता है, तो तुझे इतनी जल्दी क्यों सीखना है रे? सिर्फ 6 महीने में आप लोगों को ये सब सिखा सकता हूँ। महीने का 3,000 रूपए फीस है। ओके, ओके। 1,001 रूपए एडवांस लेके आने को कहा था, लेकर आए हो क्या? हाँ, लेकर आए हैं। कहाँ भरना है? मेरे हाथ में भी दे सकते हो, पैर में भी दे सकते हो, साइड में कांच की जो पेटी है चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो। जाकर आओ मेरे बच्चे लोग, टाटा टाटा। मास्टर बहुत देर से मेरे दोनों पैर दर्द कर रहे हैं। मेरे दोनों पैर उठाकर मेरा कंधा दर्द कर रहा है, जल्दी हटा। मेरे पैसे मास्टर। ये ले 100 रुपए। कुछ और काम होगा तो बताना मास्टर। ठीक है ठीक है, अभी जा, कल आना। कल भी मुझे यही काम करना होगा मास्टर? नहीं तो क्या, तुझे कलेक्टर का पोस्ट मिलने वाला है। ए, तू सिर्फ पैर से काम कर रहा है और मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। माँ माँ, मुझे 1,000 रुपए दो ना माँ। मैं कोई बैंक चलाती हूँ क्या? जाकर अपने पापा से मांग। ओके। पापा कैसे हो? मुझे 1,000 रुपए चाहिए। बार बार पैसे निकाल के दो, मैं कोई एटीएम हूँ क्या? अपने भाई से जाके मांग। ए गुरु, तुझे पैसे क्यों चाहिए? ड्रेस खरीदनी है। देख तेरी शादी होगी ना तो तुझे हैंडसम पति मिलेगा, वो तुझे ड्रेस खरीद के दे देगा। ये भी बहुत बड़ा कंजूस है। तो हम लोग एक महाकंजूस के बेटे हैं। गुरु सुपर। क्या सुपर है, नकली सोने को लाद कर शादी करने वाला खानदान है ना तुम्हारा। 42 लड़कियों ने आपको मना कर दिया, उसके बाद भी आपसे शादी करने के लिए मैं राजी हुई थी, समझे? सैक्रिफाइस कैरेक्टर। माँ बस हो गया ना माँ। तू चुप बैठ, माँ जो बोल रही है एकदम करेक्ट है। माँ तुम बोलो करेक्ट है, कंटिन्यू। हम दोनों लड़ाई करे यही चाहता है ना तू? मॉम मैं आपकी टीम में हूँ। गुरु अभी तो पैसे देगा कि नहीं बता। नहीं नहीं नहीं, नहीं देगा नहीं। तेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तेरी बीवी जो आएगी ना तुझे बीच रास्ते में भिखारी बनाकर खड़ा कर देगी। हाँ ए, उसकी चिंता तू मत कर, इसकी शादी मैं करवाऊंगी, समझी? माँ मेरी शादी तो हो चुकी है। ये फिर से शुरू हो गया। कम मॉम, इसी उम्मीद से मैंने शादी कर ली है। जब तक मेरा इस तरह का ऑफिस नहीं बन जाता तब तक मैं रेस्ट कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे इसका मालिक बनना है बस। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ माँ। मैं इसके लिए पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा माँ। कितनी बार तू ये बात बोलेगा, मुझे तो पता नहीं। माँ नहीं माँ, मैंने जो सोचा जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको सुनना ही पड़ेगा, समझ गई ना? तेरा सपना जरूर सच होगा। ओके अरे वाह, चलो रे पार्टी करते हैं। ये सब है मेरा तेरा, ये सब है मेरा मेरा, ये सब है मेरा तेरा, ये सब है मेरा मेरा। आसमां में छाया तेरा नाम है, लड़कियों में तू बदनाम है। देखो देखो आया है बंटर, कहने कोई कहानी। दुनिया पे मैं छाऊं इस तरह, बुझे।
एक मौका मुझे भी मिले बन के स्टार मैं भी चमकूं, दूर दूर तक ना कोई कोई नहीं मुझसा है यहाँ। लड़कियां सारी मुझ पे ही मरे, जो भी चाहत हो वो सब मैं करूं, मिस वर्ल्ड भी मेरे इशारों पे चले, हद सारी मैं तो पार करूं। कोई नहीं है मुझसा इस जहां में, सबसे प्यार करता हूं मैं तो यहां का हीरो हूं। सी दुआ बन जाऊं मैं सबसे बड़ा, सारी दुनिया पे नाम हो मेरा, मस्ती भरा हो काम मेरा, बाहों में तुम आओ मेरे सनम, छेड़ो ना यूं मुझको तो सनम, तेरे जैसा ना कोई है जहां में, जीना पाऊंगा तेरे बिन हो सनम। सुन ले मेरी इतनी सी दुआ, डांस करूंगा मैं यहाँ पे किसको क्या हुआ, दुनिया में हो नाम मेरा। ये सब है मेरा मेरा, ये सब है मेरा मेरा, आसमां में छाया तेरा नाम है, लड़कियों में तू बदनाम है, देखो देखो आया है बंटर कहने कोई कहानी, दुनिया पे मैं छाऊं इस तरह। Hey! Yes, boss! तू है? क्या यार, कितना अच्छा सपना देख रहा तू। जहाँ बैठा वो तेरे बॉस की कुर्सी है, तू उसका पीए है, मैं ये बात उनको बता दूंगा। बॉस तो शहर में नहीं है ना, फोन करके बुलाकर बताऊंगा। मैं भी तेरे बारे में बता दूंगा। मेरे बारे में क्या बताएगा? योगा के नाम पे जो धोखा चल रहा है ना। मैंने तो प्रॉपर योगा सीखा है। ऐसा क्या, किसके पास? वही आसान एंटी प्रसाद। सर्टिफिकेट है क्या? अरे अभी ये सर्टिफिकेट क्यों? अरे वो बैनर में अपने कंधे पे पैर डालकर बैठे हैं, उसके जरिए मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, तू क्यों खराब कर रहा है रे उसको? मुझको भी दाल रोटी खाने दे। ये सब क्या हो रहा है? मास्टर, ये कैटवॉक है। ये कैटवॉक है? ये तो एलिफेंट वॉक है। तू क्लास कैंसिल करके सीधे जंगल में जाकर सेटल हो जा। नॉटी। ये सब की तुझे क्या जरूरत है? बॉस, हे बॉस का फोन है, बॉस का। हेलो। यस बॉस। ठीक, सुबह 9 बजे एयरपोर्ट आ जाना। यस बॉस। अरे रे, उन दोनों को बॉस से छिपा कर रखना होगा। किन दोनों को? अरे मेरे क्लास में 2 नई फिगर आई है ना, उन दोनों को ही। अरे उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। वेलकम बैक बॉस, हाउ आर यू? ओके डार्लिंग, बाय। चलिए बॉस, ये बैग मुझे दे दीजिए। हाय हाय, दिल्ली जाऊं क्या? बॉस बहुत काम है, प्लीज चलिए ना। ट्रिप कैसी थी बॉस? बहुत टाइट था। ऐसा क्या, मतलब सक्सेसफुल ट्रिप थी? हाँ, फुल। क्या गुरु बाहर खड़ा है, काम से निकाल दिया क्या? हाँ। ऐसा क्या? क्या यार, तू भी ना, अब्रॉड से क्लाइंट आ रहे हैं, उनके वेलकम के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, समझा? ओह, तो मैं भी खड़ा रहता हूँ। तू उन मर्दों को लेकर के जा और मैं उस लड़की को लेकर आता हूँ। हाय, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैडम। आप एकदम ओपन टाइप हो ना, करेक्ट? कैसे पता चला? आंखों से पीछे देखकर। बाप रे, कितने बड़े एरिया को फ्री छोड़ा है, रिश्तेदारों को लेटर लिख सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। हे गुरु। गोपाल सर, आप हैं? आज आप आम दिनों से ज्यादा यूथफुल लग रहे हैं। आज आपने नहा लिया है क्या? अपने मुंह को बंद कर और चापलूसी करना बंद कर। तू ऑफिस में कम बार ज्यादा रहता है, मुझे सुनने में आया है। हाँ,
योगा क्लास खत्म होने के बाद इधर उधर घूमता हूँ मैं। मैं क्यों घूमता हूँ नहीं पूछोगे? हाँ मैंने पूछ लिया, समझ के तू बता। आपकी सपनों की रानी ढूंढने के लिए ये शौक मेरे लिए काफी है। ए भाई सुना सुना क्या, सुना क्या सुना क्या? सच बोल रहा है क्या तू? सच में कल रात को मैंने एक सपना देखा और उस सपने में आपके आने वाले प्यार को देखा। कैसी थी? नयन और तू की मिक्स की हुई। समझा नहीं यार। नयन तारा और त्रिशा को मिक्स करके बनाया ऐसा दिख रही थी। नयन तारा और त्रिशा की मिक्स की हुई थी? इतना भी मत बहाओ। अपनी आंखें बंद कर लो नहीं तो समंदर में बाढ़ आ जाएगी। आईज क्लोज कर लो। फॉर द न्यू प्रोजेक्ट यू आर लुकिंग फॉर नाइस यंग फेस। उप्स। हेलो चेयरमैन ऑफिस। शीला हियर। ओ हेलो मैम, हाउ आर यू टुडे? इज आवर मैरिज एनिवर्सरी। ओ मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कृष्णा फ्री है क्या? नहीं बॉस, मीटिंग में है। खत्म होते ही मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने फोन किया, बोलना। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी बॉस, मैडम ने फोन किया था। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, याद दिलाने के लिए बोल रही थी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सॉरी बॉस। गुरु। यस बॉस। ये मेरी शादी के दिन को बदल नहीं सकता क्या? मैं समझा नहीं बॉस। आपकी वाइफ के लिए मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट खरीद के रखा है, जिसको वो एक बार देखेंगी ना तो वो आपसे दोबारा शादी कर लेंगी। वेरी गुड, सुपर ब्रो, थैंक्स। इसलिए तू मेरा राइट हैंड है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है बॉस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप जो इतनी नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से बधाई सर। थैंक यू। उन तीन कंपनियों में से एक का बॉस। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरु को। हेलो, मुझे देखते ही तुम लोगों ने दुकान की सबसे कॉस्टली ज्वेलरी पैक कर दी होगी ना। यस सर, रेडी है। दो मिनट। सर ये आपका बैग। अरे यार बैग ही है ना, तो बॉम्ब की तरह क्यों दे रहे हो? दोस्तों आज मेरी बेटी की शादी की सालगिरह है। एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स। यू वेलकम। कृष्णा कहाँ है? आंख बंद करिए प्लीज। किस लिए? प्लीज 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 प्लीज। यस अब आंखें खोलिए। This is for you. Wow, it's beautiful. अब्रॉड में बॉस ने हर दुकान में ढूंढ ढूंढ के आपके लिए खोजा है। कृष्णा कहाँ है? बॉस ने क्या सोचा था कि आदि की वो बहुत बड़े कवि बन गए हैं। लड़कियाँ तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता है, और जिनके पास दिमाग और खूबसूरती दोनों होती है उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता है। लेकिन इस दुनिया में जिसके पास ये तीनों क्वालिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ आप है। क्या प्यार है, आज के दिन भी दूसरों के हाथों से गिफ्ट दिलवा रहे हैं, ये भी कोई प्यार है? हाँ आप अपने दामाद को बहुत छूट दे रहे हो। हाँ ये सही नहीं अंकल जी, जिसके पास कुछ नहीं था उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी आपने। अरे मेरा दामाद काबिल और अकलमंद है। हाँ? आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए, फिर देखिए अकलमंद वो है या मैं हूँ, समझे? फिर आपको पता चलेगा। ये थूक क्यों रहा है? लगता है मैंने गलत बोल दिया। हे नमस्ते बिग बॉस। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत ज्यादा फूल गए हैं आप। सुनो गुरु, मेरा दामाद कहाँ गया है इस पागल को बताओ तुम। रिश्तेदार कौन कहाँ किधर है? अच्छा ये है क्या? देखिए करोड़ों रुपए का बिजनेस कैसे करना है उसकी मीटिंग है। इस कंपनी को दुनिया की नंबर वन कंपनी कैसे बनाना है उसकी मीटिंग है। माँ जल्दी से लाओ ना डोसा। हाँ हाँ, खा खा कर मोटी भैंस हो गई है, और कितना खाएगी तू? रुक जा, एमडी को बना दूँ। एमडी? पापा बॉस मुझे एमडी बनाने वाले हैं। ए गुरु, एक दिन तू अपने बॉस को घर पे लेकर आना, अच्छा खाना खिलाऊंगी। मर जाएगा वो, मर जाएगा। क्यों? अरे ये जो तू मेरी स्टील की बॉडी देख रहा है ना, ये सब इसके खाने की वजह से, तू भी खाकर देख ले इसे। अरे ये रिस्क मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं एमडी बनने से पहले मर गया तो। माँ बॉस ऐसे घर पे नहीं आते हैं। माँ ठीक है तो लेकर जा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। माँ अगर तुझे एमडी बनना है तो बॉस को मस्का लगाना पड़ेगा, समझा? अरे तो तू अपने बेटे को मस्का बनाने वाले के पास भेज दे। पापा चुप हो जाइए ना आप, जब दो बड़े लोग आपस में बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं। माँ आप बोलो ना, आप बोलो ना। तेरा बॉस जो बोलता है वो करना होगा,
तू उसके जूतों की पॉलिश करेगा तो भी गलत नहीं होगा। अगर तूने उसके दिल में जगह बना ली तो पक्का एमडी। तू उसके लिए सब कुछ कर जा। क्या करना है? एक बार और टकराना है। क्या कहा? वरना सर पे सींग निकल जाएंगे। सींग निकल आएंगे? सेंथम घूम के आना। What? संतोष सुब्रमण्यम। ठीक है, टकरा लो। मैं टकराऊंगा तो तू सहन नहीं कर पाएगी। मैं सीधे खड़ा रहता हूँ, तू चाहे तो टकरा कर चलती रहना, समझ गई? ऐसा है क्या? ठीक है। ये क्या WWE की तरह हिल रही है? ये क्या पैर को जमीन पे घिस रही? ये क्या करने वाली है? मुझे क्या, मैं सीधे खड़ा रहता हूँ बस। क्यों, क्या हुआ, घूमड़ निकल आया? तुझे नहीं आएगा लेकिन मुझे आ गया, देख अभी निकल रहा है। लगता है किसी ने बेलन से मारा है, इतना सूज गया। नहीं, एक आइटम की वजह से हो गया है। नॉटी नॉटी नॉटी। सूजन खत्म हो गई? मैं डाइट पे हूँ। मैं तेरी सूजन की नहीं, अपनी की बात कर रहा हूँ, तेरे अंदर की हवा की वजह से। ये वन साइड सूजन कम करने वाली परी का नाम क्या है? सुगुना। सुगुना? वो सुगुना चिकन कंपनी तुम्हारी है क्या? उस कंपनी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्या, तो तू ही मेरी कंपनी है। ये क्या, डोर नंबर पूछने से पहले चिड़िया की तरह उड़ गई? 9444037777। डोर नंबर पूछा तो सेल नंबर बता के चले गई। मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न फिगर। सर, क्या परेशानी है सर? तनख्वाह कम है, बेटा परीक्षा में फेल हो गया, घर बदलना है, परसों आएगी बोलकर मेरी बीबी गई थी, अभी तक नहीं आई। सर, मैं आपकी परेशानी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो इस लड़की की परेशानी पूछ रहा हूँ। इसकी हिम्मत तो देखो, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही है। वजह पूछी आपने? नहीं, दादी मर गई है सर। फिर तुम इधर क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। अरे मेरी दादी नहीं सर, इनकी दादी मर गई है सर। दादी? 3 दिन से उनकी लाश घर पे पड़ी है सर। जल्दबाजी में लाइसेंस भूल गई, हमने अपनी प्रॉब्लम आपको बता दी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। इसकी इतनी सपोर्ट क्यों कर रहा है, तेरी क्या लगती है? मैं इनका पति हूँ। व्हाट, पति? पति पति। थैंक्स। यू वेलकम। आपकी गाड़ी गैरेज में गई है क्या? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? जेंटलमैन लड़की तरह थे, सडनली आप चमकने लगे, कैसे सर? मैं एड का डायरेक्टर हूँ, मैं इस लड़की को हीरोइन बनाने की सोच रहा हूँ। आप जैसे देख रहे हो वैसे लग नहीं रहा है। फिर कैसा लग रहा है? इस लड़की को माँ बनाने की तरह से देख रहे हो? मैं सहमत हूँ। नो भाई, कैसे सारा फूड खराब कर दिया, बेवकूफ कहीं का, मारो मुझे। जिंदगी में कोई लड़की पहली बार मुझे पसंद आई, वो भी बॉस मांग रहे हैं। यार तेरी लाइफ का एम क्या है ये बता। बड़ी कंपनी का बॉस बनना है, बड़ा आदमी बनना है, मैं अपने नीचे बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखना चाहता हूँ। तेरे सपने को कौन सच करने वाला है? बॉस। फिर क्यों इतना सोच रहा है? सिमो को इस कंपनी का मॉडल बना दे, बाकी सब बॉस देख लेंगे। ये देख गुरु, अगर कोई लक्ष्य साथ लिया है तो उसको बड़े ध्यान देकर करना चाहिए। जिंदगी में 2 लक्ष्य नहीं पालने चाहिए। क्यों? मैं 2 लक्ष्य पे ट्रेवल करना चाहता हूँ। एक बॉडी के 2 टुकड़े कर, एक टुकड़े को बस में रख और दूसरे वाले टुकड़े को ट्रेन में रख दे, इस तरह से 2 ट्रेवल कर सकता है तू। मुझे कंफ्यूज मत कर यार, सीमा के दिल में क्या है ये बात जानने के लिए मैं कोई फैसला करूंगा। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, किससे मिलना है? सीमा से मिलना है। तुम सीमा के कौन लगते हो? मैं सीमा का दादा हूँ। शक्ल से तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? किस काम से आयो पहले ये बताओ। सीमा के दादा ने भेजा है यार। वॉचमैन, उसे आने दीजिए। हाय। हाय, यहाँ कैसे? आप मुझे भूली नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। अरे वाह, यही स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए तो आपने शो को भी जीत लिया। थैंक्स। आप ये सब मॉडलिंग वगैरह कैसे कर लेती हैं? जस्ट अ ड्रीम। इट्स गुड, इट्स गुड।
मैं आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। से हाय। हाय। ये आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछो। अगर आप चाटा नहीं मारेंगी तो ये आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। ओके पूछो। आज रात को हम लोग डिनर पे जा सकते हैं क्या प्लीज? सो ओके चलते हैं। सो तुम्हारा सपना अमीर बनना और बड़ा आदमी बनना है ना? रोड पे चलने वाले हर किसी के पास कोई ना कोई सपना तो होता ही है। उसी तरह मेरा भी एक है। उसी तरह मेरा भी एक सपना है। Really? क्या है? वो वहाँ बंगला दिख रहा है, वैसा ही बंगला मुझे खरीदना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 करोड़ का है, खरीद लेंगे। खरीदना है, सब कुछ खरीदना है, बहुत सारी कारें, बहुत सारे गहने, उस लेवल तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, सपोज इसे आप आर्गुमेंट या फिर झगड़ा समझ लीजिए। तुमने जो सोचा अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो? एकदम सिंपल है, जिसके पास ये सब होगा उसी लड़के से शादी कर लूंगी। राइट। ओके यार, बेस्ट। ठीक है, एक और आर्गुमेंट, शायद ये उससे भी बड़ा झगड़ा हो। तुम्हें कोई अमीर लड़का मिलने से पहले कोई साधारण सा मिडिल क्लास का महीने की तनख्वाह पाने वाला कोई स्मार्ट सा लड़के से तुम्हें लव? कौन है? गुरु। इनफैक्ट पहले से आपकी इच्छाओं का दरवाजा खुल चुका है। कैसे? हमारी कंपनी एक ऐड बना रही है, उसमें आप मॉडल हैं। वाव। कल मैं बॉस से बात करके कंफर्म करता हूँ। थैंक्स गुरु। वेलकम। व्हाट? स्टॉप इट। ट्राई कर रहा था यार, चलो चलते हैं। चलो। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करो और गर्दन को एकदम सीधा रखो, क्योंकि ये बहुत खास आसन है। बाएं तरफ से खींचकर दाएं तरफ फेंकिए। ये तुमने क्या किया? आपने तो बोला था मास्टर बाएं तरफ से खींचकर दाहिनी तरफ फेंको। आइटम को थोड़े बाएं से दाहिनी तरफ छोड़ने को बोला था, सांस को बाएं तरफ से दाहिनी तरफ खींचने के लिए बोला था। आपको पहले बोलना चाहिए था ना। श्रीमान जी, आप यहाँ कब से हैं? मास्टर। सुगना, तुम यहाँ पे कैसे? मेरे भाई ने बताया था। आपका भाई भी मेरा स्टूडेंट है क्या? नहीं, आपके बॉस गोपाल मेरे भाई हैं। बॉस गोपाल? ओहो, जो शादी के बाद भी कुंवारा है वही आपका भाई है क्या? माय गॉड, उस फैमिली में कैसी लड़की। बाय द वे, आप? सौभाग्य। वेट, ग्रेंडर? नहीं, इनका नाम है, शी इज माय आंटी। आंटी है। मैं आपसे योगा सीखना चाहती हूँ। श्योर। उसके लिए मैं क्या करूँ? ये ड्रेस निकाल दो पूरा। निकालने के बाद योगा यूनिफॉर्म है, वो पहनने के लिए कह रहा हूँ, समझ गई ना? क्या हुआ पता नहीं, पर तुम्हें देखते ही तो मुझे बहुत पसंद आया। सेम टू यू। उस दिन जो नंबर दिया था उस पर मैंने ट्राई किया था, 2 बार कुत्ता भौंका फिर फोन रख दिया, ऐसा क्यों? अरे अरे, वो डॉग नहीं था, दरअसल वो फोन पे सेट किया हुआ रिंगटोन है। ट्यून है? क्या इस तरीके की भी ट्यूने होती है? कुछ दिनों के बाद भैंस को गोबर करने वाली भी ट्यूने आ जाएंगी। नॉटी। मास्टर। स्टूडेंट्स। हे मास्टर, कहाँ गए? आंटी मैं यहाँ हूँ। यूनिफॉर्म सुपर है, अभी हम सब लोग यहाँ पर सांस का योगासन करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, जब मैं सांस को अंदर लेने के लिए बोलूँ तभी अंदर लेना है, जब मैं छोड़ने के लिए बोलूँ तभी छोड़ना है। धीरे धीरे से सब लोग सांस अंदर लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। अभी सांस को जोर से अंदर लो, मास्टर आपके घर का डॉग मुझे खींच रहा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत। यस मास्टर, रस्सी मैंने पकड़ के रखी है। खींच, धीरे से खींच, खींच। बहुत परेशानी हो रही है मास्टर। परेशानी होगी तो बिल्कुल मत छोड़ना, अभी तेजी से खींच। छूट गया मास्टर। छोड़ना मत। चला गया मास्टर। क्या चला गया? हाँ मास्टर, आंटी चली गई है। आंटी चली गई। आंटी भी चली गई? उठिए आंटी। अरे मरी नहीं है, अरे मरी नहीं है, अरे मत जाओ तुम लोग। सांस रुक गई है, सब आपकी वजह से हुआ है, मर्डर केस है। मर्डर केस? अरे बाप रे। अरे कुछ तो करिए।
ऐसे में मैं क्या करूं? शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट? अरे उस मेगाफोन को लेकर आओ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री ज्वेलर्स के दरवाजे पर अगले 10 मिनट में आने वाली महिलाओं को 10 तोले सोने का इनाम दिया जाएगा। इनाम, इनाम, इनाम। 10 तोला? लेट हो जाओगी तो 4 तोला। अरे रे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो लड़की ड्रेस नहीं पहन रही है। बिना ड्रेस के एक्ट करेगी क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से मना कर रही है। मैं देखता हूँ। ओके सर। सीमा ये तुम्हारा ड्रेस है, ये लो। बाकी की ड्रेस कहाँ है? यही है। रेडीमेड ड्रेस का ऐड है बोला था ना? ये भी रेडीमेड ड्रेस है। किंगरी लिंगरी ड्रेस, जापान से इंपोर्ट किया है। सॉरी सर, मैं ये नहीं पहनूंगी। आप मेरे बारे में सोचते क्या हो? अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छी बॉडी, पहनोगी तो एकदम मस्त लगोगी। सॉरी सर, मैं ये नहीं पहनूंगी। तो मैं पहनूंगा क्या? सबने पहनी हुई है। कौन? सर बैकअप तो डायरेक्टर बोलता है। प्रोड्यूसर भी बोल सकता है। ओ, प्रोड्यूसर भी बैकअप बोल सकते हैं सर। I'm extremely sorry, सीमा। लड़कियों को गंदी नजर से देखने वालों को मैं पसंद नहीं करता। Rascals, they don't know how to treat a lady. I'm so sorry, sir. मेरी वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई। No, sir. कृष्णा। Ordinary boss, कमाल की एक्टिंग की आपने। तूने जो बोला मैंने वही किया। मैंने जैसी सोची थी आपने उससे 2 कदम आगे की एक्टिंग की। बॉस का माल कर दिया। बॉस सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक बॉस। थैंक यू। कल मिलने के लिए बोला है, कुछ पर्सनल काम है कहा उसने। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा ना उसका? हाँ है ना बॉस। व्हाट? मैं हूँ ना बॉस। हाँ मैं ही हूँ बॉस। गुरु बॉस, कल सीमा का जन्मदिन है बॉस। ऐसा है क्या? मैंने उसका फुल बायोडाटा मेमोराइज कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करने वाले? प्लान नंबर 2, कल सीमा का बर्थडे है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिब्रेशन करना होगा। उसके लिए इसकी जरूरत है। बॉस आप कितने शार्प है बॉस। थैंक यू बॉस, मेरा आदमी है। हैप्पी बर्थडे। मुंह खोल, अगले बर्थडे तक तेरी शादी हो जानी चाहिए। क्या माँ? सीमा तुमसे मिलने कोई आया है। कौन? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Damn, many most happy returns of the day. Thank you, Guru. 1 minute, please. Hey, kids, come on. Of the day. Thank you. Baby, let's party. Sweetie pie. Oh, yeah. माना है तुझको मैंने यार, हाँ तुझसे ही तो दिल मेरा है बेकरार। मुझ में तू ऐसे समा जा, ये खुशबू जैसे पागल कर दी ये हवाएं। मेरी सांसों में भी तू है, तुझसे ही ये नजारे। बेकरार दिल थक थक करता, तुझसे मैं ये बसता। माना है तुझको मैंने यार, हाँ तुझसे ही तो दिल मेरा है बेकरार। आजा अब तू पास, जाना ना अब तू दूर, तुझसे ही है प्यार, कर दे तू इकरार। आए है जहां में तेरे लिए ही हम, जाना ना दूर हमसे, खा लो तुम ये कसम। प्यार कर तू मुझसे, हाँ करके सारी हदों को पार तू। आंखों ही आंखों का दिल से कर इजहार।
सोने के जैसा तेरा तन बदन, खिंच मुझको तेरी ओर सनम, आख हो जाए हम एक दूजे में सनम, ना दुनिया की खबर अब हमको है सनम, आ जा अब करीब देखो ना कितने पास आ गए हम, धीरे धीरे तू मुझ में समा सी गई हो सनम। माना है तुझको मैंने यार, हाँ तुझसे ही तो दिल मेरा है बेकरार, मुझ में तू ऐसे समा जा, ये खुशबू जैसे पागल कर दिए हवाएं, थैंक यू। मास्टर, आप इस तरह अपने स्टूडेंट्स को कहाँ ले जा रहे हो? बताता हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हास्य आसन। बुजुर्गों ने कहा है, दिल खोलकर हंसने से बीमारियाँ चली जाती हैं, इसलिए सिर्फ हमारे हंसने के बजाय रास्ते पे आने जाने वाले हमें देखकर हंसेंगे तो उनकी भी बीमारियाँ चली जाएंगी ना, इसीलिए तुम लोगों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मास्टर, आप हंसी के डॉक्टर हो? एक्शन के डॉक्टर हो? दुनिया का डॉक्टर, सुपर डॉक्टर। अरे नहीं नहीं नहीं, अपने जान को खतरे में डालकर अभिनय करने वाले जैकी चैन ने अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगाई तो मैं ये सब कैसे लगा सकता हूँ। सब लोग हंसो, दिल खोल कर हंसो, मन से हंसो, जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलता हंसते रहो, मैं जैसे हंसूंगा वैसे तुम लोग भी हंसो। भाई, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और ये बात उस गुंडे दीना को पता चल गई है और उसने सारी बात अपने आदमियों को बता दी है, वो नीचे खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मालिक, आपका भाई बहुत ही कमीना है, जायदाद के मामले वाला केस आप कोर्ट में हार गए हैं और आपका भाई जीत गया है, उसके आदमी हमारे घर के सामने आकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तू अभी क्यों रो रही है? तू टीवी सीरियल देख के रोती थी इसलिए तेरे भाई ने उस टीवी को बेच दिया, अब क्यों रो रही है? पड़ोस में देख कर आई है क्या? नहीं भैया, मैं और मेरी फ्रेंड एक ही लड़के से प्यार करते थे, इस बारे में हमने उस लड़के को बताया, ठीक है, लेकिन वो लड़का गीता से प्यार करता है बोलता है, लेकिन वो गीता इसके बारे में सबको बता दी और मुझे देखकर सब लोग हंसेंगे बोला था और उसने वही कर दिया। मैं चप्पल से मारूंगा, कहाँ है वो बता मुझे। भैया, आप इनको मार रहे हो या फिर मैं मारूं इनको? अच्छा, मैं बात करता हूँ। सिर्फ स्माइल प्लीज बोलने वाले फोटोग्राफर को मैंने मार डाला और तू पूरे गांव में लाकर मेरी बहन की इज्जत उतार रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहन, तू चिंता मत कर। ए, मारो इसको, छोड़ना मत। कृष्ण, आपने बहुत जल्दी बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। यस अंकल, आपके दामाद नई कंपनी को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। फोन बज रहा है। मालूम है, तुम्हारा फोन आ रहा है, आने दो, कोई जरूरी काम होगा उसको। सॉरी। हेलो, दिस इज फॉर यू।
गुरु कृष्णा आएंगे बोला था ना? बॉस एक जरूरी मीटिंग में है। गुस्सा आ रहा है ना आपको? मुझे भी लग रहा था आपको गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा आपका जायज है, जब तक आपका गुस्सा कम होता है मैं अकाउंट्स का काम कर लेता हूँ। रास्ते में खाना खाया 150 रुपए का, सीमा के लिए फूल खरीदा 300 रुपए का। एक नकली फूल, ऐसा है क्या सर? बैठने को बोल रहा हूँ। ओह, तो ऐसा बोल रहे थे आप, तो मुंह खोल के बोलते थे। कल मैं रात को बेड पे शुशु कर दिया। कल रात को बेड पे मैं सोया ही नहीं था। क्या? एक खूबसूरत लड़की अलग अलग ड्रेस बदल कर मुझे देख रही थी, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। ये एक बीमारी है सर, बचपन में मुझे भी थी और इसका नाम है फिगर लुको लिकोमुया। मेरी दादी इसके लिए दवा देती थी, तुरंत चला जाता था ये। कौन सी दवा? थोड़ा सा कड़वा लगेगा। दवाई मतलब कड़वी होती है, कौन सी दवाई है वो बताओ। ऐसे खुलकर नहीं बता सकता, इस साइड का कान दीजिए। गोपाल सर क्या हुआ? दवा का नाम सुनकर शॉक हो गया। कौन सी दवा? वकील सर क्या हुआ? दवा का नाम सुनकर शॉक लग गया। कौन सी दवा? सीमा व्हाट्सअप। हाय, ब्रेक। ओके, मेरे साथ लंच करोगी क्या? चलो फिर, लेट्स गो। बॉस, कहाँ जा रहे हो? हम लोग लंच ब्रेक करने जा रहे हैं। ओह वंडरफुल, हम दोनों साथ में खाना खाने चल सकते हैं? श्योर गुरु। अरे कोई बात नहीं, आप लोग जाइए ना, जाइए ना प्लीज। ओके जल्दी आकर मिलता हूँ। ओके बॉस। फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है, आप जरा वहाँ रुकेंगे? जस्ट 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स। ओके नो प्रॉब्स, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हेलो लॉयर। हाँ सर। आज 3 बजे मीटिंग थी ना? हाँ सर। इसे कैंसिल कर दो। क्यों सर? क्या किस लिए ये सब मत पूछो। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? बिकॉज मैं सीमा के साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके बार बार मीटिंग मीटिंग मत बोलना, मुझे भी एंजॉय करने दो यार, बाद में देखते हैं ना। हाय शीला, शीला ये बाद में बात करता हूँ। कौन है फोन पर? लॉयर, लॉयर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आई थी। ओह वंडरफुल वंडरफुल, मैं भी शॉपिंग के लिए आया था। शॉपिंग? हाँ हाँ। किसके साथ? किसके साथ? हाँ बोलो। गुरु, गुरु के साथ। ओह गुरु के साथ। ओके बाय, सी यू नाइट। बाय बाय। कम 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 कम, अंदर बैठो ना, बैठो, एसी ऑन है अंदर। कृष्णा चले क्या? अच्छा गिफ्ट मिला है, चलो चलते हैं। सीमा ये है शीला। हेलो। शीला मेरी वाइफ। डार्लिंग ये है सीमा। तुम गुरु के साथ आए थे ना? हाँ गुरु के साथ ही। ये गुरु की वाइफ है। ऐसा? वाइफ? गुरु और सीमा लवर्स हैं, शादी होने वाली है, एंगेजमेंट भी हो गई है। गुरु ने कभी बताया नहीं? शादी में ही बताएगा सोचा होगा। गुरु कहाँ है? सामने वाली दुकान में गया है। अच्छा ये हाँ, बात हाँ, है। बैठो बैठो बैठो। बाय ओके डार्लिंग। बाय सीमा। सीमा, सीमा, ए, सीमा। डोंट टच मी। क्या है बॉस, क्या है ये? मेरी और सीमा की शादी होने वाली है, आपने बता दिया क्या? मैं और क्या करता। अरे बॉस आप किसी और का नाम ले लेते, अपनी प्रॉब्लम में मुझे क्यों फंसा दिया आपने? अचानक सामने शीला आ गई, क्या करूं समझ में नहीं आया। शीला को मुझ पर डाउट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए तेरा नाम बोल दिया। अरे मैंने जान के नहीं किया। अब सीमा को तू ही मना, सीमा और मुझे मिलाने का इंतजाम तू कर, बाकी का मैं देखूंगा। बॉस 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 बॉस, आपको अच्छी तरह से पता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सीमा के मामले में मुझे मुझे मुसीबत लग रही है बॉस। मुसीबत है? मैं बोलूंगा फिर भी नहीं करेगा?
तू नहीं करेगा ना बॉस? तुझ पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। क्या कर सकते हैं बॉस? मैं शीला को सब बता देता हूँ। क्या होगा? डिवोर्स होगा और वो मुझे बाहर निकाल देगी, फिर रोड पर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं दूसरा रास्ता निकालूंगा ना बॉस। यही ठीक रहेगा बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस क्या खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। अरे अरे बॉस, बिजनेस चला गया, अरे लाइट चली गई, सब कुछ खत्म हो जाने दो। अरे सब, मैं भी कहीं चला जाता हूँ, ये सब मुझे क्यों चाहिए? क्या कर रहे हैं आप बॉस? नहीं 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 बॉस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रुक जा, हो जा तू मुझसे, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? क्यों तोड़ दे रहे हैं सब? जब मेरी लाइफ खत्म हो गई तो ये सब अवार्ड लेके मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे, हट जा। यार ये भी तोड़ दिया बॉस, बॉस बॉस। अरे अरे आप, तू मुझसे बात बात कर गुरु, कोई समझाओ यार, क्या कर रहे हैं? नहीं 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 बॉस, यही रहे मैं ना गुरु, प्लीज प्लीज प्लीज, आज तेरे से हमको तोड़ डालूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा, हट जा। नहीं नहीं, हट जा तू, यही तेरा सपना था ना, तुझे बॉस बनने का है ना, वो सपना सपना ही रहने दे। या नहीं बॉस, मैं नहीं तोड़ने दूंगा इसे, आपको मैं नहीं तोड़ने दूंगा बॉस। रुक जाइए बॉस, मैं तैयार हूँ बॉस, रुक जाइए आप, रुक जाइए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ बॉस, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, रुक जाइए, शांत 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 हो जाइए बॉस, मैं तैयार हूँ बॉस, शांत हो जाइए, आप पानी पीजिए बॉस, ये लीजिए पानी पीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ बॉस। ये चाहिए क्या? अरे यार, हमेशा पैसों से काम नहीं चलता, आप इसे रख लीजिए बॉस, मैं आपकी बात मानता हूँ बॉस, लेकिन आप मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को मत तोड़िएगा, मैं जाके सीमा से बात करता हूँ। गुरु, कल सीमा को मेरी वाइफ जिस क्लब में जाती है वहां पर बुला। थैंक यू। यस बॉस। सर कमाल कर दिया आपने, क्या एक्टिंग किया है सर, बहुत बढ़िया। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो। क्या? सच को धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा, पर झूठ को चिल्ला कर बोलोगे तो सब सुन। मुझे नया सीखने को मिला सर। मैं कृष्णा से मिलने नहीं जाऊंगी। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया गुरु। मुझे धोखा देने के लिए कृष्णा से कितना पैसा लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है सीमा। बॉस मेरे, कृष्णा ऐसा नहीं है। उसका नाम मत लो सीमा, प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसे शांति से सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी गुरु, यहाँ से जाओ। मेरी बात तो सुनो तुम। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। खून बह रहा है। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। रुक जाओ गुरु। छोड़ो ना, तुमने गुस्से में किया। गुरु रुको, तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूँ मैं। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? सीमा, एक बार जाके बॉस से मिल लो। मैं जा रहा हूँ। सीमा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। गुरु ने कहा इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। एक बात तुम समझ लो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने तुम्हारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? बता दिया होता तो तुम मुझसे प्यार करती क्या? इसलिए तो नहीं बताया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीमा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमने मुझे गलत समझ लिया है। एक लड़की को धोखा देकर अगर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी तो वो पाप होगा। सच में पाप नहीं है, मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। अपनी लाइफ में मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो मेरी शादी है। उसने डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। प्लीज कृष्णा, झूठ मत बोलो। ओके कम। वहां देखो, मेरी वाइफ है, वो क्या करती है देखो। डार्लिंग, 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 हे डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग। सीमा बस और मत देखो, गले लगेंगे, वो किस करेंगे। प्लीज प्लीज, क्या लग रही है तुम? स्वीट हार्ट, लीव मी कृष्णा। हु आर यू? ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, जाओ यहां से। सॉरी, रियली सॉरी। हे, तुझे तीन राउंड घुमाने के लिए बोला था ना, एक्स्ट्रा राउंड घुमाने के लिए बोला था, तो 500 रुपए कट, मजे कर। सीमा, ऐसी गलत लड़की से शादी करने के बाद क्या मैं
खुश रहूंगा या तुम जैसी लड़की से शादी करके खुश रहूंगा, ये तुम ही सोच के बताओ। ये घर है या विजय सेल्स है? ए गुरु, देखा क्या हमारे घर पे नया एसी, नया टीवी, नया फ्रिज, लेकिन पुराने पापा। ए सुनना, क्या पार्टी है, कमाल है गुरु। गुरु, मेरी एक फ्रेंड ने अपनी नई दुकान खोली है, तो मैंने ये सब कुछ उससे इंस्टॉलमेंट पे खरीद लिया है। घर का सामान खरीदने से पहले उसको घर खरीदने को बोलो। गुरु गुरु सुनना, ड्रर, एक स्कूटी प्लीज। सब कुछ खरीद कर देगा, पहले हाथ धोकर इसके लिए खाना लेकर आ। मुझे ऐसा लगता है परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कृष्णा शादीशुदा है। उसकी गलत लड़की से शादी हुई है, तूने तो अपने आंखों से देखा है, और क्या चाहिए? मेरे से वो कृष्णा तुमसे प्यार करता है, उसे डिवोर्स लेकर तुमसे शादी करेगा। तब तक के लिए तुम्हें रुकना होगा, उसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो। मैंने जहां तक गुरु और सीमा की इंक्वायरी की है, उस हिसाब से इंगेजमेंट नहीं हुई है। गुरु और सीमा की शादी होने वाली है। झूठ मत बोलो। मैं छह शीला, 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 तुम बहुत शक करती हो। तुम्हें एक बात पता है? What? गुरु और सीमा एक साथ एक ही घर में रहते हैं। Really? तो गुरु और सीमा को गिफ्ट देना चाहिए। मैं कल ही खरीद कर दे दूंगा। नहीं, हम दोनों वहां पर साथ में चलेंगे। हम दोनों कल चल रहे हैं। दोनों साथ में जाएंगे। गिफ्ट। सीमा जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो। तुम्हारी वाइफ के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नाटक कैसे करेंगे? I just don't understand. सीमा just one word please. ये बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जो You don't know. वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। बस 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 I get a good one. मैं और सीमा हनीमून पे चले जाएं तो? सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, मैंने बोला है प्लीज। ओके बॉस, ओके। सीमा अगर मेरी वाइफ को कुछ शक हुआ तो डिवोर्स के लिए लेट हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं। कोई मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। यस बॉस। नो बॉस, जब तक हम लोग हैं आप खुदकुशी कैसे कर सकते हैं? आई डू एनीथिंग फॉर यू सर। ठीक है ठीक है। सीमा मैं और मेरी वाइफ डिनर के लिए आएंगे। बॉस डिनर क्या बॉस? छोटा सा गिफ्ट देंगे। छोटा गिफ्ट क्यों बॉस? सीमा, सीमा शीला के सामने तुम्हें ये कहना होगा कि तुम दोनों शादी करके खुशी से रहने वाले हो, बस इतना ही। ओके बॉस, एक छोटी सी प्रॉब्लम है बॉस। क्या? सीमा हॉस्टल में रहती है, मेरा घर ठीक नहीं है। लोकेशन तू पूछेगा, मुझे पता था। ये क्या है बॉस? ये फ्लैट की चाबी है, इस घर के बारे में किसी को नहीं पता। मुझे भी पता नहीं था बॉस। अभी जाने दो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों साथ रह सके। आई लव यू। बॉस वेलकम, मैम वेलकम, बॉस प्लीज। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ऑल थैंक्स टू द बॉस। सीमा कहाँ है? ये साड़ी अच्छी है? साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना। बहुत खूबसूरत लग रही हो, और इस साड़ी में तो तुम बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। कसम से। ओके। हे। जोड़ी अच्छी है ना? बॉस खाइए, ठीक से खाइए, आपके लिए स्पेशली मंगवाई है, बिना प्याज की बनवाई है, मैं जानता था ना। बिना प्याज? मैडम डाइट पे है ना, प्याज नहीं खाती ना। ओह या या। सीमा, हनीमून के लिए कहाँ जाने का प्लान है? हनीमून? बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? इनकी शादी है, इनका हनीमून है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बॉस आपको बताना पड़ेगा, आप जो बोलेंगे हम वहीं पे जाएंगे। व्हाट? मैं और सीमा बॉस की कंपनी में काम करते हैं, जब तक बॉस लीव सैंक्शन नहीं करेंगे, अमाउंट सैंक्शन नहीं करेंगे, हम लोग हनीमून पे कैसे जा सकते हैं?
बाय गुरु। ओके मैम, सी यू। शीला, तुम इस तरह क्यों आ गई? दोनों को देखना था तो देख लिया। ओह, हैप्पी ना? कम। बहुत अच्छी एक्टिंग की सीमा, वो लोग कम्प्लीटली कन्विंस हो गए, जरा भी डाउट नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें लेके डर ही रहा था, लेकिन कमाल का टैलेंट है तुम्हें, मुझे पता नहीं था। सिंस, हेलो। हे सिंस, हे, क्यों रो रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? छी छी, तुम क्यों गलती करोगे? तो फिर रो क्यों रही हो? मैंने जो किया वो शायद गलत है। जो कुछ भी करोगी वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। फालतू की बातें सोच के कंफ्यूज मत हो, समझी? हाय सेक्सी। हाँ रोजी, गुरु को आने को बोलो। हाँ गुरु, आज सीमा को मैं डिस्को लेकर जाना चाहता हूँ। तू जाकर सीमा को सन होटल लेकर आ। हम व्हाट हैपन मैन? हाँ यस बॉस, नो बॉस? यस बॉस। ओके, कम ऑन कम ऑन। क्या सर, सीमा जी का वेट कर रहे हैं क्या? सीमा से प्यार करते हैं ना? बहुत अच्छी लड़की है वो, उसको ऐसे छोड़ मत देना, शादी कर लेना, जिंदगी खुशहाल रहेगी। ये मैंने आपसे कहा है, उसे मत बताना। हाय, अचानक यहाँ पर कैसे? बॉस ने लेकर आने को कहा है, सो इफ यू डोंट माइंड। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ हुआ क्या? आई एम फाइन। क्या गुरु, कितनी उम्मीद से मैं वेट कर रहा था, गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता। बॉस, मैंने सोचा कि आप इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में बाइक चला रहा था सर, और तभी अचानक ट्रक वाला आ गया और मैंने अचानक से ब्रेक मारी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक बात है बॉस, जरा भी चोट नहीं आई। छह, और उसको? उसको भी नहीं आई बॉस, सही कह रहा हूँ। अभी सीमा कहाँ है? सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गुरु आपकी सीमा को लेकर भाग जाएगा। चाचा, गुरु मेरा आदमी है, वो ऐसा नहीं करेगा। आप एक बच्चे की तरह बात कर रहे हो सर, एक लड़की का मन कब और कहां बदल जाएगा कोई नहीं जानता। लोकल में अगर शूटिंग रखोगे तो आप जो सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा, फॉरेन में अगर शूटिंग का प्लान करेंगे तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा। प्रोड्यूसर आपसे बात कर रहे हैं शूटिंग के बारे में। सर, सब कुछ तो अच्छी तरह चल रहा है। शूटिंग को फॉरेन में करने का फैसला किया? सर, शूटिंग की लोकेशन तो डायरेक्टर तय करता है, प्रोड्यूसर भी डिसाइड कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कीजिए। कृष्णा, तुमने शूटिंग को फॉरेन में शिफ्ट क्यों कर दिया? छोटा सा सरप्राइज है, कोर्ट से डिवोर्स ऑर्डर आने वाला है, वो यहाँ सेलिब्रेट करने के बजाय फॉरेन में सेलिब्रेट करेंगे। इन सब की वजह है मेरा लॉयर। ए गुरु, तुम लोग शूटिंग के लिए फॉरेन जाने वाले हो? मैं भी चलूंगा। बहुत गंदा लग रहा है यार। फॉरेन? नहीं यार, बॉस जो कर रहे हैं वो गंदा लग रहा है। सब कुछ सीमा को बताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे समझ में नहीं आ रहा है। ओ ये अब्रॉड की शूटिंग के लिए जरूर आएगा, लेकिन बॉस की वाइफ नहीं आएंगी। हाँ? उन लोगों की बात तो मैंने की ही नहीं रे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बुलाएंगे तो जरूर आएंगे हम। कैसे बुलाओगे, शूटिंग यहाँ नहीं अब्रॉड में है।
पता है ना वहाँ कौन कौन आने वाला है? बहुत सारी खूबसूरत मॉडल्स आएंगी। अगर बॉस की वाइफ आएंगी तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आएंगी। गुरु, तू जो बोल रहा है वो सही है। दूसरों की बात छुपकर सुनना गलत होता है। करेक्ट। जो छिपकर सुन रहा है उसको देखकर करेक्ट बोलना भी गलत है। आई अप्रिशिएट। वो आएंगे तो वहाँ बॉस की सिर्फ एक वाइफ होगी, और नहीं आएंगे तो वहाँ बहुत सारी वाइफ होंगी। जो है वेलकम बॉस, आइए ना। हाय। वेलकम मैम, आइए आइए। सब लोग आ गए ना? सब लोग आ गए हैं बॉस। रूम बुक कर लिया? रूम बुक कर दिया बॉस। सीमा और मेरा रूम आसपास होना चाहिए, बाकी सबका रूम थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए। टेक केयर। क्या रे? बॉस ने कुछ कहा क्या तुझसे? बॉस को सीमा के फ्लोर पे आसपास में रूम चाहिए। अच्छा सेट कर रहा है तू? ए जाना जाना, रूम बुक कर। आ जाऊंगा तुझे। एक्सक्यूज मी। यस। मेरे लिए नॉर्थ साइड में टॉयलेट है, वो रूम बुक करो। क्यों ऐसा बुक करना है? वास्तु प्रॉब्लम है, तभी अच्छे से आएगा। ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पेट का प्रॉब्लम है। नो, नॉर्थ साइड में मेरे लिए रूम है कि नहीं? नॉर्थ साइड में रूम है लेकिन तेरे लिए नहीं। नहीं बुक करूंगा तो क्या करेगा? ओपनली, खुलेआम, आराम से, फ्रीली करूंगा। अरे बाप रे, इसको नॉर्थ साइड में रूम नहीं दिया तो ये पूरे फॉरेन को गंदा कर देगा यार। हेलो। हाय सीमा। हाँ कृष्णा, रेडी होने के बाद आ जाओ। ए स्टॉप 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 स्टॉप, क्यों तू जमीन को नाप रहा है? बहुत टेंशन में हूँ ब्रदर। बॉस की वाइफ शीला आएंगी सोचा था लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई यार? क्यों नहीं आई वो? ठीक है छोड़, सीमा और कृष्णा की फर्स्ट नाइट समझ। अरे मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है तो फिर रास्ता कहाँ है? अभी तुझे करना क्या है? ओ आसपास में रूम बुक करते हैं क्या? नहीं, हाँ। साथ में रूम बुक कर देते हैं। समझा नहीं। सीमा के साथ में एक लड़की होना जरूरी, हाँ। है। इस देश में लड़कियों की कमी है क्या? हाँ। सीमा के लिए एक, हाँ। मेरे लिए एक, हाँ। कैसे भी सेट करके देना यार प्लीज। ये मेरा धंधा है, ये तूने मान लिया है क्या? जवारे को मिले कहेंगे। बॉस अपनी धूम उसके पास हिला ना पाए इसलिए सीमा के पास उसकी पहचान वाली लड़की चाहिए। पहचान वाली लड़की? तू वापस भाग क्या? एक्शन। पहचान वाली लड़की? तू लड़की के गेटअप में आएगा? मैं लड़की के गेटअप में? हाँ। तू है लग्गू की आंटी। कौन लग्गू? तू ही। लग्गू की आंटी? तू ही। मैं ही खुद की आंटी? हाँ। हाय सीमा। गुरु, एक छोटा सा सरप्राइज है। नमस्ते सीमा। नमस्ते। ये है लग्गू की आंटी, ये मुझसे मिलने आई थी तो सोचा कि तुमसे भी मिलवा दूं, इसलिए लेकर आ गया। हाय सीमा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। डाउन बॉय, लेट्स गो इनसाइड। कम विथ मी। रूम बहुत खूबसूरत है। अबे बस कर सीमा। आंटी तुम्हारे साथ ये पूरा शहर घूमना चाहती हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो रूम में रह लो। आंटी आपने ही तो कहा था कि आपको पूरा शहर देखना। या मुझे इंडोर आउटडोर सब कुछ। ठीक है, मैं कृष्णा को फोन करती हूँ। हु इज दिस कृष्णा? कृष्णा हमारे बॉस हैं। इसका बॉस? ओ बॉस, कोई गैंग चलाता है क्या? ओ तो मुझे भी उस गैंग में शामिल करा। ये मुझे मार रहा है। नो, आई एम जस्ट फ्रेंडली टाइप। हे बॉस, आप नीचे जाइए, मैं बॉस को इन्फॉर्म करता हूँ। आप जाइए, आप जाइए, वैसे भी ये टाइम ट्रैफिक का है। जाइए जाइए जाइए। कुछ नहीं रखता और दूसरों को भी नहीं रखने देता। डायरेक्टर सर। मैं ही हूँ। हाथ में क्या है? इस शहर का आम है, एक ही मिला। वेरी गुड। ये आम को ऐसे ले जाके बॉस के हाथ में दे दीजिएगा। बिकॉज आई से सून, आपको ये शूटिंग करना है या नहीं? करनी है। आप एक काम करो, ये आम सीधा ले जाके बॉस के हाथ में दे दीजिए और बॉस को बोलिएगा कि वो सीमा को दे और वो भी एक आम के साथ आएगी और वो दोनों रूम में जाके इस आम को बड़े प्यार से खाएंगे। कमाल का सीन बनेगा। जाके उनको ये बोल दीजिए, मैं डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर। आंटी, आप कितने सालों से यहाँ रह रही हो? मेरा जन्म, पालन पोषण सब कुछ यहाँ हुआ है, यहीं पर। आंटी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। ये बात कई लड़कों ने मुझसे कही है, आज पहली बार एक लड़की ने मुझसे कहा है। ओके
आंटी मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, खासकर वो लकड़ी वाली। तुम्हें कौन सी चाहिए, कप वाली या लकड़ी वाली? जो भी मिल जाए इट्स ओके। ओके आई विल गेट यू दैट, बी हियर। ओके हाय सीमा, चलें क्या? आंटी आइसक्रीम लेने गई हैं। अरे मैं अभी आंटी से मिला था ना, उनको एक फोन आ गया तो वो बोली कि शाम को वो तुमसे मिलेंगी, तो हम लोग चलें। हे सीमा, तुम अचानक से उदास क्यों हो गई? नहीं, कृष्णा के साथ घूमना चाहती थी। अरे यार, कृष्णा एक आम के विषय में एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया हुआ है। सीमा तुम ऐसे उदास रहो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा गाइड बनके इस शहर को तुम्हें अच्छी तरह से घुमाऊंगा, तैयार हो ना तुम? ए, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मेरे साथ कहीं भी जा सकती हो। ओके स्माइल। ख्वाब तू तुझको मैं पाऊंगा, हसी ख्वाब तू, ए ख्वाब तू तुझको मैं पाऊंगा, हसी ख्वाब तू, सारी दुनिया में घुमाऊं तेरे बिन मैं मर जाऊं, तू चल मेरे संग कर नारी जक्शन, दिल का कनेक्शन जोड़ जोड़ जोड़, हे ख्वाब तू तुझको मैं पाऊंगा, हंसी ख्वाब तू। हे फूलों की तरह तेरी हंसी है, ये तो नजारा नजारा डांस कर रहा है, तुझसे ही तो है मेरी दुनिया सनम जी, देख तू मुझको मस्ती में हूँ सनम, दिल मेरा रोशन है तुझसे ही, देख लो तुझे पालूं प्यार कर लूं, दिल मेरा धड़का है, देखो मैं कैसे दौड़ा तेरे पीछे पीछे, रे 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 रे, ए ख्वाब तू तुझको मैं पाऊंगा, हंसी ख्वाब तू। माफ कर तू मुझको, तुझ पे मैं मरता हूँ, तुझको पाने की कोशिशें करता हूँ, माफ कर तू मुझको, तुझ पे मैं मरता हूँ, तुझको पाने की कोशिशें करता हूँ, अफसरा है तू सिर से पांव तक, जादू तेरा है जमीन से फलक तक, झूठ समझो ना इसको तुझसे रोशन है, समा समा शमा शमा शमा, ख्वाब तू तुझको ही पाऊंगा, हंसी ख्वाब तू, ख्वाब तू तुझको ही पाऊंगा, हंसी ख्वाब तू।
सारी दुनिया में घुमाऊं, तेरे बिन मैं मर जाऊं। तू चल मेरे संग कर नारी जक्शन, दिल का कनेक्शन जोड़ जोड़ जोड़। कृष्णा हाय हाय। सो स्वीट। डार्लिंग, रूम में चलते हैं। कम कम ऑन डार्लिंग, चाय कॉफी ऑर्डर करूं? नो थैंक्स। शौक लगा क्या? खुशी का शौक लगा है मुझे तो, खून उबलने की आवाज सुनाई दे रही है। पीठ में मारने जैसा लग रहा है ना। सॉरी। थैंक यू। मेंशन नॉट। डार्लिंग अकेली क्यों आई? हम दोनों साथ में आते हैं ना। ये सब सरप्राइज था। पर ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहता। थैंक यू डार्लिंग। हनीमून का मूड आ गया। हाँ, गुरु भी इसी मूड में होगा ना। गुरु भी इसी मूड में होगा। गुरु किस रूम में है? ये कैसा सवाल है? सीमा के रूम में होगा। जाकर मिलकर चलकर मिलते हैं। डार्लिंग अभी आई हो ना, थोड़ा रिलैक्स कर लो। नहीं, मुझे इमीडिएटली देखना है। डार्लिंग जरा अर्जेंट है, अभी आया। हेलो गुरु। यस बॉस। तू अपने लगेज के साथ तुरंत सीमा के रूम में जा, मेरी वाइफ आ गई है। आपकी वाइफ आ गई? हाँ यार, मैं अभी आया बॉस। यस 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 यस। ये क्या गुरु, टॉवल में ही आ गए। मैं तुम्हारे सामने चड्डी पहन के खड़ा रहूं? ए गुरु, मेरी नाइटी क्यों पहन रखी है? कोई ऑर्डर्स मिला ही नहीं। निकालो निकालो, क्या कर रही है? निकालो, जाना जरूरी है। यस नॉटी गर्ल। गुरु कम इन। कम 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 कम। ही इज अ वेरी नाइस बॉय। नहीं नहीं, उठा निकालो। नहीं उठा सकता। नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या कर रही हो तुम? नहीं उठाऊंगा मैं। नहीं गुरु, छोड़ो मुझे। बॉस बॉस, तुम लोगों से मिलकर हेलो बोलने आई थी। हेलो डार्लिंग, मैं कल के शूटिंग के बारे में बात करके आता हूँ, ठीक है? यू कैरी ऑन। ओके बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। बॉस सॉरी डार्लिंग। बॉस क्या रे? बॉस मैं कहाँ जाऊँ? तू अपने रूम में जा। जब तक शीला यहाँ है, तू सीमा के रूम में रहेगा। ओके ओके, थैंक यू बॉस। क्या? ओके बॉस। मुझे लड़की का गेटअप देखकर पता नहीं खुद कहाँ घूम रहा है, ऊपर से ये फूल भी। एक्सक्यूज मी, वही आंखें, वही होठ, वही शर्माना, ये आपका फूल है? अभी तो आपके हाथ में है। वही हंसी। ये क्या, वही होठ वही हंसी फिल्म की टाइटल बता रहे हैं क्या? मैं आपको जानता हूँ। मैं भी आपको जानती हूँ। कैसे? अभी तो आपको देखा। God is great. ऐसा है क्या? और क्या, सपने में जिस किविन को देखा था उसे आज हकीकत में देख रहा हूँ। ऐसा है क्या? और आप? मैं अर्जुन। क्या कहा? अर्जुन की आंटी कहने वाली। आपका नाम? लता। इस शहर में सब लोग मुझे लस्सी लस्सी कहकर पुकारते हैं। गुड, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरी भी।
लेकिन मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं। आपने कहा तो शादी नहीं हुई है। हाँ, आपके देश में शादी के बाद ही एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में रहने के बाद ही शादी करते हैं। हम लोग मिले, साथ रहे, लेकिन शादी होने से पहले वो चल बसे। इस शहर के लिए मैं एकदम कुंवारी हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि मैं एक विधवा हूँ। अपने आप को विधवा मत बोलिए। तो क्या विडो बोलूं? नो, आप विधवा नहीं हो, क्वीन हो। बिना किंग की क्वीन। आपको देखकर मुझे वॉमिट आ रही है, मैं जा रही हूँ। फिर कब मिलना होगा? अब मुझे शर्म आ रही है। गॉड इज ग्रेट। मेरी चाल पे आप फिदा हो रहे हैं क्या? मुझे शर्म आ रही है, आप पलट जाइए प्लीज। ये लीजिए। ओके सर। खूबसूरती को देखकर क्या डरना, यही आपका डायलॉग है। हाय कृष्णा। हे, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। मैंने जो मंगवाया था मिल गया? हाँ मिल गया। वेरी गुड वेरी गुड। इसको पानी में मिला कर देना, एक सेकंड में मूड बन जाएगा। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी कोमल स्मूथ त्वचा दूसरों को प्रभावित करती है। हाँ डार्लिंग, इस शहर में देखने के लिए बहुत सारी जगह है। किसके साथ जाऊँ? मैं मैनेज करता हूँ ना। कौन है? गुरु। यस बॉस। कम। क्यों बुला बॉस? यहाँ बैठ। यस बॉस। गुरु, रघु की आंटी इसी शहर में है ना? उनको बुलाओ, क्योंकि शीला और आंटी जॉली से शहर में घूम कर आए। जाके लेकर आ। अभी क्या? यस यस बॉस। हाँ अरे ओके। अरे सुनो सर, कल मैंने नयनतारा और त्रिशा को देखा। शूटिंग के लिए आई थी क्या बॉस? नहीं, उन दोनों को मिक्स करके देखो तो तुम्हारी आंटी जैसी लगती है। सर वो आंटी नहीं है सर। क्यों? उनको अपना बनाने का फैसला कर लिया है। सर चिल्लाओ मत। सर गुड, मुझे तुम्हारी आंटी से मिलना है। आप उससे नहीं मिल सकते हैं सर। क्यों? मैं तो इधर हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं ही जाकर उनको ला सकता हूँ ना। तो जाकर ले आओ। वो सब नहीं होगा अभी। अरे रे रे रे, बॉस को आंटी से मिलना है। आंटी से मिलना है? और कौन रे? अरे वो तो इधर है। ठीक है ठीक है, जाके जल्दी से लेके आ। मैं कैसे जाकर आंटी को लेकर आ सकता हूँ? जो बोला वो कर। सौंदर्य ऐसा जो मन को लुभाए। वेरी नाइस। जाओ जाओ। आई अप्रिशिएट। लता आएगी तो मैं क्या बात करूंगा। लता सनलाइट में इतनी खूबसूरत लग रही है, तो मूनलाइट में कैसी लगेगी मेरी जान? कमाल का। ओह क्या क्या लग रही है। वेरी गुड। वाओ वाओ क्या बात है। क्यों गला दबाने का इरादा है? नो आई एम फिल्म डायरेक्टर। क्या तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी क्या? पक्का करूंगी, अगर रजनी हीरो होगा तो। गोपाल तुम गिर गए क्या? गिरा था पर संभाल लिया। एक खूबसूरत लड़का। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये वन साइडेड प्यार, नोटी। नया लक्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। ए, उस गोपाल का टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तेरे लिए और क्या क्या एडजस्ट करूँ, ये तेरे लिए कम है क्या? हैंडबैग इतना छोटा होता है क्या? मैम ये है लता आंटी और ये है बॉस की वाइफ शीला। हेलो हाउ आर यू शीला, आई मिस यू सो मच। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अभी रखता हूँ। बॉस ये है लता आंटी, लता आंटी ये है मेरे बॉस कृष्णा। हेलो हाउ आर यू लता आंटी। अरे अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरे बॉस छोड़िए ना, पिचक जाएंगे। ये मेरी चिमटी काट रही है। शीला तुम और आंटी शहर घूम कर आओ। गुरु तू भी इनके साथ चला जा। बॉस यहाँ बहुत सारा काम। अरे काम मैं देख लूंगा, तू एंजॉय कर जाना। ठीक है बॉस जाना, आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है।
गोपाल, लता, बार बार मुझसे टकरा रहे हो, कहीं सीने में दर्द ना हो जाए, संभल कर। जब मैं तुमसे टकराता हूँ तो लगता है फूलों से टकरा गया हूँ। लगता क्या है, वो फूल ही है। सर बैठ। आपने बुलाया था क्या सर? जो कुछ भी हो शूटिंग खत्म करने के बाद बात करते हैं। शूटिंग को खत्म करने के लिए बुलाया सर। शूटिंग कल रख दो। सर मैं डायरेक्टर हूँ सर। मैं प्रोड्यूसर हूँ सर। ओके सर। ए गुरु गुरु गुरु, ये प्यार दिखाने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। ये खाना मेरे लिए आया है क्या? ये तेरे लिए नहीं, शीला जी के लिए। शीला के लिए? मुझे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा मेरी एक बात सुन, हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना है। क्यों? नहीं तो बॉस सीमा को लेके कहीं और चला जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कुछ मिला दिया है, इसको खाते ही शीला के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। नॉटी बॉय, जा। ठीक है। लता। गोपाल, ये लीजिए। क्या है ये? अंगूठी। अंगूठी क्यों? खूबसूरत उंगलियों में पहनने के लिए। पता है गोपाल, मुझे मंगलसूत्र की तरह पहनाकर बंदी बनाना चाहते हो? नो नो, मैं तो सुहागरात के लिए पहना रहा था। सुहागरात? आपकी सुहागरात के लिए उसकी कीमत है क्या? बाद में बात करते हैं। आंटी। शीला, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है। What? हमें जो आता है वो 3 days प्रॉब्लम है ना? नहीं आंटी, फूड पॉइजन लग रहा है आंटी। बहुत दर्द हो रहा है आंटी। ओह माय गॉड, सिर रहा नहीं जा रहा। बाथरूम चले, मेरे साथ नहीं जा सकती। प्लीज। मैं नहीं जा सकती। प्लीज चलिए ना। मैं आई हूँ, दोबारा मुझसे नहीं हो पाएगा। चलिए ना। आई टेल यू नो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम जाओ। मुझसे गुस्से में बात क्यों कर रही हो? नहीं शीला, वो क्या, आप बहुत बुरी हो। जाओ। लता। गोपाल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो मेरा गला बैठ गया है। हेलो सर। या आई एम फाइन। शूट विल बी ओवर इन अ वीक स्टफ। या थैंक यू। आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो। आप मेरी फिल्म में काम करोगे क्या? I appreciate। गोपाल। लता, मेरी वजह से कितना खर्चा हो गया है, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकती हूँ गोपाल? मेरे लिए अक्सर जो 2 लाइन गाती हो गा सकती हो क्या? गोपाल, मुझे बाथरूम जाना है। गोपाल, तुम बाथरूम तक आ गए? गोपाल, लता, चलो हम दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। गोपाल, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता है गोपाल। शादी करने के बाद? तब भी नहीं होगा गोपाल। क्यों? क्योंकि जब वो चल बसे तो मेरे गर्भाशय की क्या जरूरत थी, इसलिए मैंने दान कर दिया गोपाल। कोई बात नहीं लता, मैं एक छोटा बच्चा हूँ और तुम भी एक छोटी बच्ची हो। फिर भी नहीं होगा गोपाल। तुमने मेरे साथ मुस्कुराकर बातें की और मेरे साथ मिलकर गाना गाया, वो सब नाटक था क्या? बोलो लता, नाटक था क्या वो? नहीं, बोलो। नहीं। हाँ गोपाल, शुरू में मैं तुमसे प्यार का नाटक करने आई थी और थोड़ा नाटक भी किया गोपाल, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार के सामने मेरा नाटक हार गया है गोपाल।
हार गया है। मेरे इतना कोशिश करने के बाद भी अब मुझसे नाटक नहीं हो रहा है गोपाल, नहीं हो रहा है। अभी भी बोल रही हूँ गोपाल, मेरे दिल में उनके सिवाय किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। आप जो खरीद कर दोगे घर सामान वो सब मैं रख लूंगी, लेकिन आप मुझे नहीं रख सकते हैं गोपाल, नहीं रख सकते हैं। अगले जन्म में जब भी आओगे, जैसे भी आओगे, मैं आपके लिए इंतजार करूंगी गोपाल, आपके लिए इंतजार करूंगी गोपाल। बाप रे, जान छूटी। डार्लिंग, आज का प्रोग्राम क्या है? नो प्रोग्राम। व्हाई? वो आंटी बहुत बैड है। इज इट? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ही साथ रहूंगी। गुरु, बॉस क्यों बुलाया आपने? हाँ, हम सब इंडिया जा रहे हैं। सुपर्ब। क्या सुपर्ब? नहीं बॉस, हम लोग इंडिया जा रहे हैं, बैक टू अवर कंट्री। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, कुछ नहीं हुआ। सॉरी बॉस। अरे सुनिए, ये क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? अरे रुको मत। आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता बाबा, आप क्या करेंगे, लेकिन आप लोग ऑफिस नहीं जा सकते हैं। एक काम करिए, आप लोग मेरे घर चलिए। माँ, क्या हुआ? क्या गुरु, तू फॉरेन से तूफान लेकर आया है क्या? सर, आप सीमा मैम साहब को रख लो। ए टकलू ड्राइवर, रखने को मत बोल, शादी करने को बोल। अरे रे रे रे, मैंने उस तरह से रखने को नहीं बोला। अब बारिश खत्म होने तक रखने के लिए बोला। क्या यार तू भी। अंदर आओ। हाय, अंदर चलो भाभी। भाभी, आपके लिए मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ, चलती हूँ। ये कौन है पता है? देखते ही पहचानने के लिए मैं कोई सुपरस्टार हूँ क्या? बेटी, मैं गरीब, इस घर का मालिक और गुरु का पिता हूँ बेटा। मामा रुकिए ना माँ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, किसी गोपाल ने फोन करके बताया था कि तू किसी लड़की से प्यार करता है, तू और वो फॉरेन में घूम रहे हैं और तेरा उसके साथ एंगेजमेंट भी हो गया, यही बताया था। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, नहीं है। ये मेरी फ्रेंड सीमा है। क्यों सीमा? क्या गुरु, गुस्सा कर दिया ना उसको। मैंने पहले ही कहा था गुरु, बिना बताए मैं कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ हो? सॉरी। इट्स ओके। सॉरी मैंने आपको नहीं बोला, सीमा को बोला। अरे यार, थोड़ी देर के लिए तो मैं परेशान ही हो गया था। मैं भी थोड़ी देर के लिए खुशी दी, फिर छीन भी ली। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। माँ क्या है ना, घर का खाना खाए बहुत दिन हो गए, जल्दी से खाना खिलाओ ना प्लीज। सीमा, बारिश रुकने तक तुम यहाँ रुक जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। खाने के नाम पर जो कुछ भी आएगा चुपचाप उसमें एडजस्ट कर लेना। जल्दी खत्म कर। कहाँ जा रही हो बेटी? हॉस्टल। तुम एक दिन रुक कर चली जाओ बेटी, आज वरलक्ष्मी पूजा है, तू भी इस पूजा में शामिल होगी तो अच्छा रहेगा। नहीं आंटी, बहुत काम है मेरे लिए। प्लीज प्लीज रुक जाना, प्लीज प्लीज। सीमा को पूजा में शामिल होना है, बस इतना ही ना? हाँ बेटा। आप अभी जाने दीजिए, ऑफिस का काम खत्म करके हॉस्टल से पिकअप कर लूंगा मैं इसे, ठीक है ना सीमा? हाँ बोल दो प्लीज। ओके। पक्का ना? हाँ, तू जब तक नहीं आएगी पूजा खत्म नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मत करना सीमा, अब हमारा खाना सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। हाँ सीमा, इस पूजा में पानी भी नहीं पीते हैं, ठीक है? याद रखना। तुझे याद रहे इसके लिए मैं क्या करूँ? ये माला पहन ले। हाँ
ये क्या, इतना बड़ा पाइप जा रहा है? वो मेरा पैर है। ऐसा है क्या? अच्छा सुगना, तेरे साइज के लिए पानी ओवरफ्लो होगा, पर तूने मुझे इधर क्यों बुलाया? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला किया है? तुमको छोड़ने का फैसला किया है मैंने। ये क्या बोल रही है सुगना? मेरे भैया को तुम्हारी आंटी ने मना किया ना, इसलिए मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अरे रे रे रे, बाप रे, सुगना सुगना, रुक जा रुक जा। सुगना सुनना, तू ये क्या करने को बोल रही है? अपनी आंटी को बुलाओ। आंटी अभी नहीं आ सकती। क्यों? आंटी और भगवान एक जैसे हैं, वो बार बार नहीं आते। देखो, बेवजह का बहाना नहीं चाहिए, सोच के बताओ। इसमें सोचने वाली बात क्या है, हम दोनों को जिंदगी में एक होना है, आई मीन जुड़ना है। गुड, लेकिन आंटी नहीं है ऐसा मत बोलो। अरे आंटी नहीं है ऐसा कहाँ मैं बोल रहा हूँ, होती तो अच्छा होता ना। अब आए ना रास्ते पर, अगले शुक्रवार को अपनी आंटी को लेकर अपना जो छोटा मंडप है ना, वहाँ पर आ जाओ। मैं भी अपने भैया के साथ आती हूँ। ओके स्वीट बॉय। छोटा मंडप बोलकर ये बड़ा मंडप तो जा रहा है। अरे रे रे, आंटी तू वापस आ। आइए सर, सीमा जी ने आपको वेट करने के लिए कहा था। मिस्टर कृष्णा जी का ड्राइवर यहाँ आया था, वही उनको लेकर बाहर गया है। उनके वापस आने तक आपको वेट करने के लिए कहा है। सॉफ्ट ड्रिंक बोलूं क्या? नहीं चाहिए। जूस? पानी? नहीं। सिर्फ पानी? क्या हुआ? ये नया नेकलेस? गुरु के माने गई है। ये अच्छा नहीं है, निकाल कर फेंक दो। क्या सोच रही हो तुम? गुरु मेरा वेट कर रहा होगा। ओ, उसको वेट करने दो, उसे वेट करने दो, मैं उसे ओवर टाइम दे दूंगा। ड्राइवर सीमा का है? सीमा और हमारे बॉस स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। ठीक है सीमा, ऐसा टेस्टी फूड पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा, खाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा उपवास है। उपवास? हे, हम 2019 में हैं, ये सब मैं बिलीव करती हूँ? मेरे विश्वास की बात नहीं है, लेकिन गुरु की माँ की भक्ति का आदर करती हूँ। सीमा तुम कंफ्यूज हो, पहले तुम्हें ये सब भूलना पड़ेगा, ये गुरु माँ परिवार उपवास सब भूल जाओ, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं ही सिर्फ आखिर तक साथ रहूंगा। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की तरह खुदगर्ज नहीं बन सकती मैं। मैं जा रही हूँ। सीमा प्लीज मत जाओ। आई एम सो सॉरी गुरु, मैं बहुत लेट हो गई, चलो चलते हैं। ठीक है चलो। क्या हुआ गुरु? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मेरे घर पे भूखे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने जल्दी आने की कोशिश की थी। तुम्हें बॉस के साथ खाना खाने में देरी हो गई होगी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कैसे हो सकती है तुम्हारी गलती? एक दिन, सिर्फ एक दिन तुमसे मांगा, लेकिन तुमने वो भी नहीं दिया। दूसरों के बारे में थोड़ा सोचो सीमा, इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो इसकी फिक्र ही नहीं है। लेकिन तुम क्यों हमारे बारे में सोचोगी? तुम्हारे साथ तो बॉस है, रोमांस, कृष्णा, बड़े बड़े बंगले। गुरु प्लीज, चुप करोगे तुम? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता है सीमा, इसीलिए मैं इतने दिनों से बेवकूफ बनके घूम रहा हूँ, यही ना। गुरु कहाँ है तू? हेलो माँ, आ रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ, बस दो मिनट में आ रहा हूँ। साथ है ना? हाँ सीमा मेरे साथ ही है। हाँ। परेशान मत हो, जल्दी आना। हाँ आ रहे हम लोग। अभी तक 40 बार फोन कर चुकी है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। सीमा मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में मेरी फैमिली की खुशियां बहुत मायने रखती हैं, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, दया करके थोड़ी सी खुशी उन्हें मिल जाएगी, प्लीज। गुरु इतना लेट क्यों? नहीं माँ, मुझे ऑफिस से निकलने में थोड़ा लेट हो गया, ये तो बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही थी। सीमा को ऑटो में बिठाकर भेज देना चाहिए था ना, बेचारे ने सुबह से कुछ खाए भी नहीं है। सीमा चलो आ जाओ, पूजा शुरू करते हैं। मेरी माँ को लग रहा है कि तुम सुबह से उपवास में हो, मेहरबानी करके उन्हें सच मत बताना, उनका दिल टूट जाएगा, इतनी मेहरबानी कर देना। आ
सीमा क्या हुआ? सीमा देखो, जाओ जाकर पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। सीमा आज खाना नहीं मिलेगा सोचा था। ऐसा क्यों? क्योंकि सीमा भाभी का फास्ट था और ये बेहोश हो गई। कहीं सीमा को हॉस्पिटल में एडमिट करके पूरी रात वहीं ना रुकना पड़े सोचकर डर गई थी। थैंक्स सीमा, फर्स्ट टाइम फास्ट रखा ना इसलिए। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। काम पर जाने वाली लड़की से अगर उपवास कराएगी तो यही होगा ना। सॉरी सीमा। सीमा, तुमने सच में उपवास रखा होगा, ये मुझे यकीन नहीं था। और सॉरी, मैं तुम्हें गुस्से में अनाप शनाप बोल गया। आई एम रियली सॉरी। माही मेरा सब कुछ है, मेरा सपोर्ट है, और मैं उनको परेशान कभी नहीं दे सकता, इसलिए मैं। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। सीमा चलो फल खाते हैं। तू बस खाना ही खाते रहे, मैं सीमा को ड्रॉप करके आता हूँ। ना, वो आज इधर ही रुकने वाली है, तू जाकर सो जा। ओके, गुड नाइट लेडीज। गुड नाइट गुरु। गुरु। बॉस। बॉस यहाँ कैसे? बॉस क्या हुआ? बॉस सीमा कहाँ है? घर पे ही है बॉस। मेरी सीमा कहाँ है? बॉस चिल्लाइए मत, लोग गलत समझेंगे। सीमा को बुलाओ। बॉस प्लीज बॉस, मैं सीमा को लेके आता हूँ। सीमा को बुलाओ। गुरु बॉस, क्या हुआ? गुरु कुछ नहीं माँ, बॉस मुझसे बात करने आया है, मैं बात करके नहीं भेज दूंगा, आप जाइए ना। मैं तुमसे बात करने नहीं आया, सीमा को लेने के लिए आया हूँ। सब कुछ मैं ही बता देता हूँ। सुनिए ना बॉस, बॉस बॉस बॉस, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, लेकिन आपका बेटा सीमा का दिल बदलना चाहता है। बॉस सीमा इससे प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार करती है, समझ गए? बॉस बॉस सुनिए तो सही। बॉस 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 तेरी की हिम्मत। बॉस गुरु, मामा आप अंदर जाइए ना, हम दोनों जब मिलते हैं तो ऐसे ही गले लगा के मिलते हैं। आप जाइए गुरु। बॉस रुक जाइए। बॉस गुरु, बॉस ये क्या कर रहे हैं? बॉस प्लीज प्लीज बॉस रुक जाइए। मां हां मां आंटी, मां मां क्या हुआ तुम्हें? मां मां सीमा को जाने दो। मां मेरी बात सुनिए, मां ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा ना सीमा को जाने दो। मां इसी छोटे मंडप में बोला था मिलने के लिए। लता अभी तक आई नहीं। लता आंखें खोलो। गोपाल गोपाल। नो, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती, आज इस देवी के सामने फैसला करो। फैसला? हाँ। कोई बात नहीं। थू। लता ये अनर्थ है। ये अनर्थ नहीं है गोपाल, अनर्थ नहीं है। बिरयानी का कॉम्बिनेशन, बैगन का भरता, फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन, दही राइस, क्वार्टर का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, इस सुगना का कॉम्बिनेशन, ये अर्जुन है। अर्जुन? हाँ रे, मुझे तूने कभी टॉपलेस में देखा था ना, अब अच्छी तरह से देख। अच्छे से देख ले। योगा मास्टर आसन अर्जुन को अच्छे से देख ले। चल सुगना, हम चलते हैं। रुक जाओ। बोलो। मैसेज प्लीज। नौजवान लड़कों, किसी लड़की से प्यार करने से पहले वो वाकई लड़की है या नहीं, ये तुम लोग अच्छी तरीके से जान लो। गुरु, सीमा बहुत खूबसूरत है ना? यस बॉस। खूबसूरत लड़की को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ बॉस। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। हाँ बॉस, करेक्ट बॉस।
ये लड़की नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं इसे। शट अप, ऐसा नहीं है, उससे शादी करने का फैसला किया है और मेरी शादी करवाने वाला तू है, और इस बारे में शीला को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तू बस इतना कर दे, सीमा से बात करके उसे शादी के लिए मना ले, ओके? यस बॉस। गुड। सुपर सर। मुझे सीमा चाहिए। मैं आपके लिए इंतजाम करता हूँ ना सर। तू करेगा तो एमडी की पोस्ट तेरी। शिट। क्या रे गुरु, बैलून से निकली हवा की तरह पिचका हुआ आ रहा है? बॉस शादी करने वाले हैं। किससे? सीमा से। तो करने देना। हे, सीमा को ये खुशखबरी मुझे बतानी है, मैं उसके पास जाकर। ना रे बाबा, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं सुन सकता। पहले भी मैं तेरी वजह से लेडी गेटअप में आकर बहुत मुसीबत उठा चुका हूँ। तेरी परेशानी तू मुझे बताने आया था, पर तेरी परेशानी मेरी परेशानी से बहुत बड़ी है, और इस परेशानी को बिना परेशान हुए सॉल्व करना मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तू मुझे कंफ्यूज मत कर। हाँ, विष्णु सर की तरह बात करेंगे ना, तभी ये लोग सुधरेंगे। हेलो गुरु, तू तुरंत पास के मंदिर में आ जा। पापा, आप मुझे मंदिर क्यों बुला रहे हैं अचानक से? अरे ऐसे ही, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, आता हूँ। Hey Sims, तुम यहाँ कैसे? यहाँ आने के लिए मेरे पापा ने फोन किया था। मुझे भी पापा ने ही फोन किया है। अगर सभी बड़े लोग यहाँ पे हैं तो कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर है। अरे ये क्या? गुरु, ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते। आप लोग यहाँ पे कैसे? सब तेरी माँ का आइडिया है, सीमा के माँ बाप से मिलना था तो तेरी माँ ने फोन करके बुला लिया। हमारे पापा तो जेम्स बॉन्ड है ना। क्या बात है। ऐसे ही गेट टुगेदर मंदिर में। गुरु तू अंदर जाके भगवान के हाथ जोड़ के आ। ठीक है पापा। सीमा चल, मैं तुझे मंदिर घुमा कर लाती हूँ। और बताइए सर, आप भी अपनी वाइफ से डरते हैं क्या? मैं भी डरता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। गुरु, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? हमें आपके माँ बाप बहुत पसंद आए। अच्छी बात है। मेरी बेटी सीमा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ? हम चाहते हैं कि तुम हमारे दामाद बनो, इसलिए हम सभी घर वाले चाहते हैं कि अगर तुम दोनों कोई अच्छा फैसला लेते हो तो अच्छा होगा। ये बहू बनेगी? ना मत बोलना बेटी, तू और गुरु आपस में बात करके कोई फैसला ले ले। ए गुरु, तुम किसी लड़की से प्यार करते हो क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? ऐसे ही आंटी ने पूछने को बोला था। ओ अबा, ये बात है क्या? तो तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? पागल कहीं के। क्यों बेटी, बात कर ली? लगता है पास हो गई। चेहरा देख कर लग रहा है कि जैसे कि फेल हो गई हो। यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन चल रहा है पास और फेल का। तू बोल बेटी। कुछ भी नहीं कहा उसने। कुल मिलाकर ये मंदिर की मीटिंग फेल। सर आपसे मिलने सीमा आई है। आने के लिए बोलो, कोई डिस्टर्ब ना करे। हे सीमा, कम कम। सिट सिट, कैन यू गेट समथिंग? नो नो, इट्स ओके। अचानक कैसे? मुझे एक हेल्प चाहिए। क्या? तुम करोगे क्या? जरूर करूंगा। गुरु को एमडी बना दो। प्लीज। मैं गुरु को एमडी बना दूं तो मेरे लिए तुम क्या करोगे? क्या करना होगा? मैं जो कहूंगा करना होगा। अगर तुम गुरु को एमडी बना दोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ओके, डील। थैंक यू। नया लक्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम बहुत ही मुलायम त्वचा के लिए दूसरों को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्यवर्धक क्रीम और स्ट्रॉबेरी से युक्त नया लक्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, अब खूबसूरती से क्या डरना।
थैंक यू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने शो को एंजॉय किया होगा। अभी डांस पार्टी जो सीमा स्टार्ट करने वाली है, सो एंजॉय। अरे यार देख मुझको, अरे यार देख मुझको, दुनिया के तो हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्यार से देख मुझको, नजर फेर तू भी अब, मेरे जैसा कोई नहीं, सिंगल पिस में हूँ यहाँ। आ जाओ बाहों में प्यार तुझे कर लूँ, तुझसा नहीं कोई दिलबर। तुझको जब देखूँ हो जाओ पागल, तुझसा नहीं कोई लवर। आ गया बड़ा मजा, आ गया बड़ा मजा। ओ अरे यारा देख मुझको, अरे यारा देख मुझको। जाने जाना मेरी तू है, तुझसा कोई नहीं है। ये तो तेरी मर्जी है, फिर क्यों तू रोता है। तुझे औरों के संग देख दिल रोता है। जीती हूँ मैं तो तेरी बाहों में बुरे। आइटम बम है तेरा ये ठुमका जी ये ठुमका। आ गया बड़ा मजा, आ गया बड़ा मजा। है अरे यार देख मुझको, प्यार से देख मुझे। आ जा तू कैसी ये दिक्कत है। नाचूंगा मैं नाचूं जी भर के मैं नाचूं। आ जा तू कैसी ये दिक्कत है। मिलना है जिसको भी मिलते है वो तो यही। अरे यारो छोड़ो नाचो मस्ती से। जीती हूँ मैं तो तेरी बाहों में। अरे अरे यारो रिश्ते तो बनते यहाँ आसमानों से। आ गया बड़ा मजा, आ गया बड़ा मजा। अरे यार देख मुझको, अरे यार देख मुझको। प्यार से देख मुझको, प्यार से देख मुझको। आ जाओ बाहों में प्यार तुझे कर लूं, तुझसा नहीं कोई दिल भर। तुझको जब देखो हो जाओ पागल, तुझसा नहीं कोई लवर। गुड मॉर्निंग सर। कम ऑन गुरु, प्लीज कम इन सर।
ऑफिस कैसा है गुरु? बॉस बहुत अच्छा है बॉस। किसका है ये? तेरा ही है। यस बॉस। बॉस ये मेरा ऑफिस है बॉस। बॉस 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 थैंक यू बॉस। ये चेयर अब से तेरी है। कैसा फील कर रहा है तू? बहुत खुशी हो रही है बॉस। वेरी गुड वेरी गुड। तेरा सपना सच हो गया ना? यस बॉस। दैट्स गुड। इससे भी बड़ी खुशी मैं तुझे देने वाला हूँ। ये रहा सरप्राइज। आज के दिन सबका सपना सच होने वाला है। गुरु को ऑफिस मिल गया, मुझे सीमा मिल गई और सीमा को मैं मिल गया। गुरु, सीमा और मेरे मिलने की वजह तू है, इसलिए तुझे ये नया ऑफिस प्रेजेंट करने का हम दोनों ने फैसला किया है। तुझे एक और खुशखबरी बताऊं, इस नए ऑफिस की चाबी सीमा के हाथों से लेने वाला है। सीमा भी यही चाहती है। सीमा दो, कम ऑन। यस गुरु। ओप्स सॉरी। लवली। थैंक यू। सीमा आज गुरु को एंजॉय करने दो, हम गुरु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? गुरु तू अपनी सीट पर बैठकर एंजॉय कर, मैं और सीमा मेरे कोचिंग बोर्ड हाउस जा रहे हैं। चलते हैं डार्लिंग, कम। सी यू गुरु। गुरु मुबारक हो, ये ले। ये मुबारक बात मुझे नहीं चाहिए। क्यों रे? ये ऑफिस भी मुझे नहीं चाहिए। ए, यही तो तेरा लक्ष्य था, इस कुर्सी पे बैठना। अरे ये मेरे लक्ष्य नहीं, रिश्वत है। सीमा को सच्चाई पता ना चले इसलिए बॉस ने मुझे रिश्वत दी है जो मुझे नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? सीमा को सारी सच्चाई बताने, बॉस के बारे में सीमा को सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं तू रुकना, सीमा तुझसे प्यार करती है? पता नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। कैश ब्रदर, एंजॉय। सीमा ये मेरा बोट हाउस है, अच्छा है ना? रिसोर्ट भी है, यहाँ सिर्फ मैं ही आता हूँ। कुछ लोगी? कुछ नहीं चाहिए। नो 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 नो, हम दोनों वाइन पीते हैं, कैसा रहेगा? गुरु के एमडी बनने की खुशी। बस तू हिल क्यों रहा है? बोट है बस। बोट है या शराब है? हाँ, औरत धोखा खाती है तो पॉइजन, और मर्द धोखा खाता है तो अल्कोहल। इधर इधर, तुझे यहाँ किसने आने बोला? इधर। क्या बॉस, आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे एमडी बनाने की बात करके एमडी का पोस्ट गुरु के हाथों में दे दिया। सीमा को जाकर बताओ। नहीं, नहीं। मुझे पसंद करते हो? जो तुम्हें पसंद ना करे समझो उसके शरीर में दिल है ही नहीं। आई लव यू। फनी है। जोड़ी अच्छी है ना? ए ब्यूटीफुल। गुरु तुम मुझे याद कर रही थी ना? हाँ। तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। गुरु गुरु को देने वाला ऑफिस मुझे देना चाहिए था ना बा। गुरु को ऑफिस नहीं, चाबी, सिर्फ चाबी दी है। गुरु से चाबी वापस लेना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? सच में? सच में। जा जा यहाँ से। सीमा मैंने सब कुछ सुना है कृष्णा, बहुत ही चीप इंसान हो तुम। सीमा वेट। सीमा क्यों गुरु को ऑफिस से निकालोगे? ये देख रहे, उस ख्वाहिश को मैंने उठाकर फेंक दिया। तुम कैसे इंसान हो ये मैं गुरु को बताऊंगी? गुरु एकदम शरीफ है, यही कहना चाहती हो ना?
अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करता है तो तुम्हारे बदले एमडी की पोस्ट नहीं लेता। उसको मेरी परवाह है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु से मैं प्यार करती हूँ ये मैं जान गई। व्हाट? गुरु से मुझे प्यार हो गया, समझ गए तुम? सीमा 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 सीमा, मेरे बारे में तुमने जान लिया, अच्छी बात है। पर कृष्णा प्लीज, सीमा सिर्फ एक दिन, प्लीज सीमा प्लीज, सीमा कृष्णा प्लीज, सीमा सीमा सीमा, कृष्णा कृष्णा प्लीज, कृष्णा। ये तू यहाँ क्यों आया? मैं नहीं आया, पता नहीं कौन लाया। पता नहीं चला। गुरु वेलकम वेलकम। सीमा सीमा, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बोलो गुरु। बॉस तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो तुमसे सच में शादी नहीं करेंगे। मुझे ही नहीं, ये तुम्हें भी धोखा दे रहा है। तुम्हें एमडी बनाने का नाटक किया इसने। बॉस तू यहाँ पे क्यों आया? गो गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा, अभी आपका ऑर्डर नहीं चलने वाला। मैं तुझे निकाल दूंगा। तू क्या मुझे निकालेगा, मैं तुझे निकालता हूँ। आज के बाद तू मेरा सर या बॉस नहीं है। रास्ते से हट जा। गुरु छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। सीमा तुम बॉस के साथ यहाँ क्यों आई हो? तो तुम्हें मना करना चाहिए था ना। तो तुम चाबी देते वक्त चुप क्यों थी? बॉस को पसंद नहीं करती हो ये बोल देना चाहिए था ना। मैं तो यही हूँ ना। गुरु गुरु, मैं कृष्णा को पसंद नहीं करती, ये कैसे बोल देती? तुम्हें भी तो बड़ा ऑफिस चाहिए था, अमीर बनना था। मुझे इससे बड़ा ऑफिस चाहिए था? मुझे ही बड़ा आदमी बनना है क्या? तुम इस तरफ आओ, आओ। तुम्हें भी तो बड़ा आदमी बनना था ना। और तुमने उस दिन क्या बोला था? दो साधारण आदमी मिलके अपनी जिंदगी में वो क्या क्या बोलते उसे, खुशी से नहीं जी सकते। सही कहा। वो ठीक है, मैंने तुम्हें मंदिर में पूछा था ना कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो या नहीं। किसी लड़की के बारे में पूछा था, अपने बारे में नहीं पूछा था। तुम्हारे पास सारे जवाब होते हैं ना। सुनो, कहाँ जा रही हो? सीमा स्टॉप प्लीज, वेट। मेरी गलती तुम्हें याद है, मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा था ना। उपवास सिर्फ तुमने नहीं किया। उस दिन मैंने भी कुछ नहीं खाया था। अपनी सारी ख्वाहिश से फौरन में गाना गा के बताई थी ना मैंने तुम्हें। क्या तुम लोगों ने गाना गाया था? तब मैं क्या कर रहा था? तुम रूम में व्हाट आम लेके बैठे हुए थे। वो तेरा काम था क्या? हाँ गुरु गुरु। मैंने कहा था ना वो लेकर भाग जाएगा। उस वक्त मेरे लिए गाना गा रहे थे। एक बार भी गाने में कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना। तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। मैं क्यों फंस बोलूं? तुम्हें बोलना था। गुरु तुम बोलो ना। नहीं नहीं प्लीज, लेडीज फर्स्ट। गुरु प्लीज प्लीज, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। गुरु 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 गुरु। ओके हम दोनों साथ में बोलते हैं। ओके आंखें बंद करो। ओके ओके। आई लव यू। गुरु, I love you. I love you too.
बॉस सीमा की कोई बहन है क्या? क्या हुआ? कार की याद आ गई क्या? छी छी, अभी सिर्फ गुरु याद है मुझे। अरे फंस गई ना, पागल गई। तुम देखना सीमा, एक दिन इससे बड़ी कार, इससे बड़ा बंगला, इससे बड़ा ऑफिस, सब कुछ होगा मेरे पास। तुम रानी बन के रहोगी वहाँ। Is it? नहीं, ऐसा नहीं है। सच में मेहनत करके पैसे कमा के तब खरीदूंगा मैं। गुरु, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।